राजौरी के शहीदों को श्रद्धांजलि, आज घर पहुंचेंगे पार्थिव शरीर। नॉर्दर्न आर्मी कमांड चीफ बोले, पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के रिटायर्ड सैनिक आतंकियों से जुड़ रहे। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए 5 जवानों को सेना और पुलिस ने शुक्रवार यानी 24 नवंबर को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों के पार्थिव शरीर आर्मी जनरल हॉस्पिटल राजौरी में रखे गए थे। धर्मशाल के बाजीमल में 36 घंटे तक चली मुठभेड़ में लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ में सेना के 5 जवान भी शहीद हुए। इस दौरान नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक आतंकवादी गुटों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ आतंकवादी पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्सेज में रह चुके थे। उपेंद्र बोले, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकवादियों को भेज रहा है क्योंकि यहां कोई लोकल भर्ती नहीं है। हम विदेशी आतंकवादियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में ये 5 जवान शहीद। कैप्टन MV प्रांजल यानी 63 राष्ट्रीय राइफल्स कर्नाटक के मंगलौर के निवासी। कैप्टन शुभम गुप्ता यानी 9 पैरा उत्तर प्रदेश के आगरा के निवासी। हवलदार अब्दुल माजिद जम्मू कश्मीर के पुंछ के निवासी। लांस नायक संजय बिष्ट उत्तराखंड के नैनीताल के निवासी। पैरा ट्रूपर सचिन लौर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के निवासी। 15 दिन बाद होनी थी अलीगढ़ के सचिन की शादी। अलीगढ़ के सचिन लौर का पार्थिव शरीर शुक्रवार को टप्पल स्थित उसके गांव लाया गया। सचिन लौर सिर्फ 24 साल की उम्र में शहीद हो गए। उन्होंने 20 मार्च 2019 को आर्मी ज्वाइन की थी। वे पैरा ट्रूपर थे। सेना में जाने का उनका बचपन से ही सपना था। शहीद सचिन की 8 दिसंबर को शादी होनी थी। परिवार इसकी तैयारी में जुटा था। सभी लगातार उनसे छुट्टी लेकर गांव आने के लिए कह रहे थे। 8 दिसंबर को सचिन की बारात मथुरा के मार्ग जानी थी। ROC पराजौर गांव के रहने वाले पैरा कमांडो अब्दुल माजिद के भाई भी 2017 में शहीद हुए थे। माजिद के भाई जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में सैनिक थे जिन्हें पुंछ में हुई एक मुठभेड़ में शहादत मिली थी। माजिद के चाचा मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक उनके परिवार में 30 से 40 सदस्य सेना में रह चुके हैं। वहीं माजिद ने मुठभेड़ के दौरान पत्नी को फोन किया था और कहा था कि वह जल्दी घर आएगा, लेकिन जब पत्नी ने शाम को दोबारा फोन किया तो उसका फोन बंद मिला। बाद में माजिद की शहादत की खबर आई। आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में पहुंचेगा। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शहीद के परिजन से मुलाकात कर सांत्वना दी। उन्होंने कहा, शहीद के परिजन को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। इसके साथ ही शहर की एक सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा। पैतृक गांव में शुभम गुप्ता के नाम पर स्मारक भी बनवाया जाएगा। डांगरी हमले का मास्टरमाइंड था कारी। मुठभेड़ में मारे गए एक आतंकी का नाम कारी है। डिफेंस PRO के मुताबिक कारी पाकिस्तानी नागरिक था। उसे पाक और अफगान मोर्चे पर ट्रेन किया गया था। दूसरे आतंकी की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कारी लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर था और पिछले एक साल से अपने ग्रुप के साथ राजौरी पुंछ में एक्टिव था। उसे डांगरी और कंडी हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। कारी को जम्मू में आतंकवाद को दोबारा फैलाने के लिए भेजा गया था। वह IED स्पेशलिस्ट था और गुफाओं में छिपकर काम करने वाला ट्रेंड स्नाइपर भी था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 24 घंटे चली आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ खत्म हो गई। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। गोलीबारी में 5 जवान शहीद हो गए। अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।